नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूँ, रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी, और यह है सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट भाग एक। यानी इसका प्रैक्टिस सेट है सामान्य विज्ञान का। इसमें जो है सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान से जो प्रैक्टिस सेट के लिए एक प्रकार से क्वेश्चन जो एडिटिंग किया गया है, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन है इसमें, से लेकर सूर्य की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, इसका क्या आंसर होगा? इसमें फिल करना है, से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। इसमें आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है इसको, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.4 होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10^15 मीटर, ये होता है ये। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दो है, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? चलिए आंसर आप लोगों को बताना है, क्योंकि प्रैक्टिस जो है आप ही लोगों के लिए करा रहा हूं मैं, तो आप लोग मन में सोच लीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है, उसके बाद आंसर हम बताएंगे। तो वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बेग। बेग इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? इसका भी आंसर हो जाएगा डी, बेग। क्वेश्चन नंबर चार है, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उसे वेग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर पाँच है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? इसका आंसर होगा सी, घनत्व। क्वेश्चन नंबर छः है, दबाव को से नापा जाता है, किससे नापा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, बल एवं क्षेत्रफल से। यानी दबाव को मापा जाता है किससे? बल एवं क्षेत्रफल। यानी दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होगा बल बटा में क्षेत्रफल, ये इसका सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर सात है, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर आठ है, इनमें से विषम को चुनें, इनमें से कौन विषम है इसको चुनना है आपको। इसका आंसर होगा ए, गति। गति इसमें विषम है। क्यों विषम है? क्योंकि गति जो है एक देखिए संवेग, विस्थापन और वेग,
ये सब जो है सदिश राशि है और ये जो है गति अदिश राशि है, इसलिए भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, 1000 किलो प्रति घन मीटर। यानी घनत्व बराबर क्या होता है? पदार्थ का द्रव्यमान बटा में पदार्थ का आयतन। तो इसका हो जाएगा 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, गैलन समानतः इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, आयतन की माप के रूप में। आयतन की माप के रूप में गैलन समानतः प्रयोग किया जाता है। अगर एक गैलन यूएस की बात करेंगे, यूएस में तो 3.785 लीटर होता है एक गैलन यूएस में। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं है, तो इसमें कौन सा कारण है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जड़ता के कारण। यानी मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर जड़ता के कारण नहीं हटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? क्या वजन पर क्या असर होगा चलती लिफ्ट में? इसका आंसर होगा डी, यानी बढ़ या घट सकता है, बढ़ या घट सकता है। देखिए इसमें फंडा होता है कि लिफ्ट जब त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है तो वजन जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब लिफ्ट जो है नीचे त्वरित गति से आ रही है तो वजन जो है घटा हुआ महसूस होता है, और जब एक समान ऊपर नीचे आती है तो आपका वजन जो है शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा है इसका ठाट कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा, तो घट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यानी ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो घटेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्ररक्षक एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार पीछे करता है, क्योंकि ऐसा क्यों करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? इसका आंसर होगा बी, यानी कार का वेग लगातार बदल रहा है, कार का वेग लगातार बदल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? यह प्रक्रिया है अपकेंद्रीय बल, यानी केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है अपकेंद्रीय बल में, जिसे दूध से मक्खन या क्रीम निकलता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? इसमें आंसर होगा बी, अभिकेंद्री बल, यानी केंद्र की ओर बल लगता है रोलर कोस्टर की सवारी में। क्वेश्चन नंबर 19 है, बल यानी फोर्स की SI यूनिट क्या है? बल या फोर्स की SI यूनिट क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 20 है,
किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, बायंट फोर्स। क्या कहते हैं? बायंट फोर्स, जिसका जो उत्प्लावक बल कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर इंग्लिश में दिया है बायंट फोर्स, यानी द्रव के जिस गुण की वजह से वस्तुओं पर ऊपर की ओर या ऊर्ध्वगामी बल लगता है उसे उत्प्लावक बल कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया है बायंट फोर्स, इसी को हिंदी में उत्प्लावक बल कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना, यानी व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना, डी इसका आंसर होगा। यानी गलत यहाँ पर पूछा है इसमें से कौन सा कथन गलत है घर्षण बल के लिए, तो व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जहाज़ों की गति में वृद्धि पर आधारित है, जहाज़ों की गति में वृद्धि पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसका क्या सिद्धांत है? यानी कि जब कोई वस्तु द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो जहाज की गति में वृद्धि आधारित है तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा बी, यानी वेग शून्य होता है तथा त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें निम्न में से कौन प्लेटनरी बॉडीज के लिए कैपलर के नियमों में से एक नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, इसका आंसर होगा डी, यानी कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है, ये इसके नियम में केपलर के नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? यानी ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो सामान्य आकार होता है, इसका आंसर होगा सी, अंडाकार। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रह। यानी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था निकोलस कापर निकस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? यानी एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी, वजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी अगर लिफ्ट तेजी से ऊपर बढ़ रही है तो एक शरीर का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम हो जाता है, ये सही नहीं है। लिफ्ट तेजी से ऊपर बढ़ रही है तो वजन जो है कम नहीं अधिक प्रतीत होता है, जब नीचे आएगी तब वजन जो है कम प्रतीत होता है, तो इसमें सही नहीं है, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
14.3 किलोग्राम। अब देखिए बुध ग्रह पर कैसे निकालते हैं व्यक्ति का भार, तो बुध ग्रह पर व्यक्ति का भार बराबर होता है पृथ्वी पर व्यक्ति का भार बटा में 9.8 मीटर पर सेकेंड गुणे 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है आप 38 लिखेंगे और यहाँ पर 9.8 और गुणे 3.7 मीटर पर सेकेंड, तो आपका आंसर हो जाएगा 14.3 किलोग्राम। यानी 38 जो यहाँ पर दिया है वजन, इसका सूत्र होता है बुध के ग्रह का वजन कितना होगा, तो पृथ्वी पर व्यक्ति का भार बटा में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुणे 3.7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 14.3 किलोग्राम वजन होगा बुध ग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है, इन पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है कितना होता है, इसका आंसर होगा सी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी इस वेग से अगर पृथ्वी से कोई वस्तु ऊपर उछाली जाती है तो पुनः वो वापस लौट कर नहीं आती है या गुरुत्वीय वेग से बाहर चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं, तो ये तैरते हैं निम्न घनत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 33 है, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है, अभिकथन देखिए दिया है इसमें, जब वेग स्थिर और तरंग दर आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दुगुनी हो जाती है, और कारण दिया है इसमें वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। इसमें आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन की उचित व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है, इसका दाब क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बाहर के दाब का दाब जितना ही होता है जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है, जितना बाहर का रहेगा उतना अंदर के भी रहता है लेकिन वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी इसका आंसर होगा सी कैपिलरी प्रक्रिया द्वारा, यानी ब्लॉटिंग पेपर द्वारा जो स्याही के सोखा जाने का कारण है कैपिलरी प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है, तो ये कैसे सोखता है, तो ये जो है केशिका यानी कैपिलरी प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है और अंतिम क्वेश्चन है, चाकू किसका उदाहरण है, तो चाकू किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वेड्ज, किसका है वेड्ज का, यानी वेड्ज जो है एक प्रकार का जो है साधारण यांत्रिक उपकरण होते हैं और चाकू इसका उदाहरण है। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए, ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो इसको लाइक करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो कैसी लगी, ताकि और वीडियो जो है इसे अपलोड किया जा सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।